गाइज नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज नेताजी वाला लुक कैसा लगा आप सबों को कमेंट में बताइएगा। और आज हम लोग लेके आए हैं यहाँ पे दीपावली डेकोरेशन लाइट। ये देखो RGB लाइट है, RB और RGB दोनों मिक्स लाइट है। तो आज की वीडियो में इसी को अनबॉक्स करने वाले हैं एंड रिव्यू देने वाले हैं, कैसा ये जलता है, कैसा परफॉर्मेंस है, कैसा प्राइस है, कितने मीटर का है, सारा चीज़ आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आप सबों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी दीपावली प्रोजेक्ट्स पे काम हो रही है, दीपावली प्रोजेक्ट्स भी आपको मिल जाएंगी। दीपावली आने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो टेंशन मत लो यार, PS इंडियन मेकर के साथ खुश रहो और इस वीडियो को एंजॉय करो। चलिए वीडियो को शुरू कर। तो भाइयों यहाँ पे हमने परचेज किया ये वाला डिब्बा, मतलब इसमें है लाइट और यहाँ पे लिखा है मैगी। ये भाई सी नहीं है, मैगी है, हाँ MAGI मैगी और LIT मैगी लाइट CL69। ये पता नहीं क्या है भाई। यहाँ पे देखो 25 मीटर का MTR एंड 8 mm का इसका LED मतलब जो इसका बल्ब है वो लगा हुआ है। और इधर के साइड भी वही कुछ लिखा उखा हुआ है एंड दोनों में मतलब माल सेम ही है। माल मतलब इसका अंदर का चीज़ यार, कुछ और समझ लेते हो आप लोग। तो दोनों में सेम ही है एंड उसके बाद यहाँ पे भी हमने एक और लाइट परचेज किया है। ये देखो ये छोटा ही है, 5 मीटर का ये लाइट है। ओके लग नहीं रहा है भाई, 5 मीटर का है बट यकीन करो मेरा। ओके और इसका यार डिब्बा कहीं मेरे से गुम हो गया, ये देख सकते हो। और इसमें कंट्रोलर भी लगा है, उसमें कंट्रोलर नहीं है, ओनली वन जो ICs होती हैं उसको रन करने के लिए वो है, बट इसमें आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को एंड इसको बारी बारी से इसको आप सबको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो छोटा वाला LED है, मतलब जो लाइट का झालर है, इसमें मिलता है हमें फिलामेंट वाला लाइट। ये कोई LED लाइट नहीं, यहाँ पे देख सकते हो जो पुराने ज़माने में आते थे, अभी आते ही हैं, तो वो वाला लाइट है। मतलब इसको ऊपर से पेंट कर दिया गया है अलग लाइट दिखने के लिए, इसमें फिलामेंट लगा होता है टंगस्टन वाला, वो आप समझ जाओगे ठीक है। और इसको हमने भगवान जी यानी कि मंदिर के ऊपर, मतलब कि मंदिर के आसपास लगाने के लिए उस पर्पस से हमने इसको बाय किया है और छोटा है, काफ़ी अच्छा है। चलिए अब इसको यूज़ करके आप सबको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर इसको हमने प्लग इन कर दिया है भाई, और रुक जाओ। और यहाँ पर देख सकते हो ये हमारी छोटी वाली लाइट काफ़ी मस्त तरीके से जल रही है। मैं आप सबको लाइट बंद करके उसके बाद दिखाता हूँ। तो गाइज यहाँ पे देखो लाइट बंद हो गई है और एक ही लाइट अभी चालू है। और यहाँ पे देखो लगभग 8 मोड यहाँ पे मिलते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट मोड है एंड ये देखो ये सेकेंड मोड है एंड ये गाइज थर्ड मोड है, ये फोर्थ मोड है। यहाँ पे देखो कैसे ब्लिंक करके उसका धीरे धीरे कम होगा एंड फिर उसके बाद जलेगा। तो ये हमारा फोर्थ मोड है एंड देखो गाइस कुछ इसी प्रकार से ये जलता है। एंड फिफ्थ मोड अब चेक कर लेते हैं। तो गाइस ये देखो फिफ्थ मोड पे कुछ ऐसे चलेगा डिस्को डांसर की तरह। एंड सिक्स्थ पे देखो भाई कुछ इस प्रकार से एंड सेवेंथ पे कुछ ऐसा एंड एट्थ में कुछ ऐसा और फिर नाइन्थ में जैसा था वैसा। कुछ इसी प्रकार से हमारा LED 8 मोड यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन लिखा भी हुआ है। ओके एंड यहाँ पे पुश बटन दिया गया है और काफ़ी इसकी मस्त लाइट है। ऐसी बात नहीं है कि भाई काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, और मुझे इसी तरह के लाइट अच्छे लगते हैं। जो ये फिलामेंट्स वाली लाइट होती है इसकी काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस होती है, इसीलिए मैंने इसको बाय किया है। चलिए अब अपने सेकेंड लाइट को अनबॉक्स करते हैं। ओके तो ये रहा हमारा सेकेंड लाइट। यहाँ पे गाइज पहले वाले ने गर्म कर दिया जो फिलामेंट वाला लाइट था एंड ये रहा हमारा सेकेंड वाला लाइट, जो कि ये देख रहे हो ये है LED। ये है मतलब फिलामेंट वाला नहीं है, ये LED है, जो कि अगर आप इसको कट करके उसके बाद DC वोल्टेज पे भी चलाओगे तो ये इजीली वर्क करेगा। और यहाँ पे ये जो देख रहे हो ये इसका ड्राइवर है जो इसको ड्राइव कराता है। तो कुछ देख सकते हो इस प्रकार हमने इसको अनबॉक्स कर लिया है और भाई इसको जला के देखते हैं। कुछ खोल दिया हमने, बिखेर दिया है कुछ इस प्रकार से
जिससे कि काफ़ी अच्छा इसका आप सबको लुक आ सके। तो चलिए अब इसको जलाते हैं, और यहाँ पे देखो प्लग इन कर दिया, और अब लाइट को करते हैं बंद। तो भाई लोग यहाँ पे देखो भाई, करंट वरेंट तो नहीं लगेगा मेरे को ना। तो यहाँ पे देखो कितने मस्त तरीके से ये वाला लाइट जल रहा है, और अंधेरे में आप सबों को दिखाऊं तो काफ़ी मस्त तरीके से ये जलेगा, बिकॉज ये जो LEDs होती हैं वो अंधेरे में काफ़ी अच्छा ग्लो करती हैं, बट जो फिलामेंट्स वाली होती है वो काफ़ी इससे भी ज़्यादा ग्लो करती है। तो आप देखो भाई कितना मस्त लग रहा है ना। एंड अगर आप इसको बिखेरोगे एंड साइड साइड से इसको जब लगाओगे तो भैया काफ़ी ज़्यादा मस्त इसकी ब्राइटनेस होगी, ठीक है, और काफ़ी आपके घर के लिए तो भाई मस्त रहेगा। देखो यहाँ पे और लंबी काफ़ी ज़्यादा है। और चलिए अब इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं, और पहले वाले की भी प्राइस की बात कर लेते हैं। तो ये मेरे को मिला है यहाँ पे देखो इस डिब्बे पे, वो गाइस दिखेगा भी नहीं यार, हाँ यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे देखो 170 का यहाँ पे मरका मारा गया है, मरका यानी साइन, और 170 बाप रे गाइस करंट मार रहा है शायद, यहाँ पे मेरा हाथ सटा तो ऐसा लगा, और 170 का ये यहाँ पे मार्का लगा हुआ है, बट मेरे को 160 में दे दिया, और 10-20 रुपये आपको भी कम सम कर ही देंगे। खैर आप लोग इसको बताना। एंड ये 25 मीटर वाला वेरिएंट है, मतलब 25 मीटर इसमें आता है वैसा वाला, लिखा भी हुआ है यहाँ पे देख सकते हो। एंड आपके अगर भाई लोकल मार्केट में ऐसा कुछ मिलता है तो भाई मेरे को भी देखो यहाँ पे 25 मीटर, और आपके अगर मार्केट में ऐसा कुछ मिलता है तो मेरे को कमेंट करो, कुछ बताओ मेरे को कि कितना प्राइस है, और कितने रेंज का, मतलब इसका जो लंबाई दूरी है वो कितने का रेंज का है, ये सब आप सब मेरे को बताओ। खैर वीडियो अच्छा लगा होगा तो भैया वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, एंड चैनल पर नया है तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और कमेंट में बताइएगा कि आप सबों को ये वाला लाइट कैसा लगा। और अब इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं, तो ये मेरे को मिला है 160 रुपीज़ में, जो कि प्राइस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और ब्राइटनेस की भी बात करें तो ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी है, मैं एक बार और चला के दिखाता हूँ लाइट एकदम बंद करके, जैसे इसके साथ हमने किया था। तो भैया देखो उससे तो भाई काफ़ी ज़्यादा इसकी लाइट ब्राइट है, बिकॉज इसमें फिलामेंट वाली लाइट मैंने पहले ही बता दी है कि फिलामेंट वाली लाइट यहाँ पे लगी हुई थी। और अब आप सबों को इस दोनों को जला के दिखाता हूँ, जिससे कि आप सबों को इसका कंपैरिजन हो जाएगा कि भाई कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा। ये देखो एक तरफ है ये, ओके, एंड ये देखो एक तरफ है ये वाली लाइट एंड सेकंड तरफ ये वाली लाइट। तो देखो भाई इससे तो भाई मेरे को ये वाला अच्छा लगता है। खैर सबकी अपनी अपनी मन है, मनपसंद चीज़, और आप अपना मनपसंद चीज़ बता सकते हो इन दोनों में से कौन सा आप सबों को अच्छा लगा। और इसमें मतलब जो इसका मोड है उसको चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता, बट इसमें आप सबों को अच्छे तरीके से इसका मोड चेंज कर सकते हो। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने देसी भाई को सपोर्ट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, बाय गाइस, लव यू ऑल।